कायरव ने उठाया बड़ा कदम, जिसके बाद अब हो गई है गोइंग का परिवार में ही भिड़न। जी हाँ, कायरव अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसके बाद गोइंग का परिवार में आपस में ही हो जाएंगे बड़े झगड़े। ऐसा क्या कर दिया कायरव ने अभिनव के लिए जिसके बाद न सिर्फ अक्षरा बल्कि पूरा का पूरा गोइंग का परिवार शॉक में रहने वाला है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेडी एक्सप्रेस में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अभिमन्यु के लॉयर ने सीधा अभिनव की गरीबी पे किया वार। जी हाँ, उनका कहना है कि जब अभिनव के पास पैसे ही नहीं हैं तो वो कैसे करवाएगा भीड़ का इलाज, कैसे पालेगा बिरला परिवार के वारिस को। जिसके बाद जब ये बात पहुंचती है कायरव के पास तो कायरव पूरे के पूरे गोइंग का खानदान का वारिस है। जी हाँ, कायरव के नाम ही है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। और अब कायरव उठाएगा बड़ा कदम क्योंकि कायरव करता है अभिमन्यु से नफरत। कायरव को बिल्कुल नहीं पसंद है अभिमन्यु, इस वजह से अब कायरव अपने पास सिर्फ 70% प्रॉपर्टी रखेगा और 30% प्रॉपर्टी कर देगा अभिनव के नाम। जी हाँ, वो गोइंग का परिवार की 30% प्रॉपर्टी अक्षरा और अभीर के नाम कर देगा जो कि डायरेक्टली जाएगी अभिनव के पास। और अब अभिनव की गरीबी हो गई ख़त्म और जो अभिमन्यु के लॉयर का पॉइंट था उसका भी कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब अभिनव अक्षरा गरीब नहीं है, वो अच्छे से अभिर का इलाज और परवरिश कर सकते हैं। इस कदम के बाद अब क्या होंगे गोइंग का खानदान के रिएक्शन, क्योंकि कायरव ने बिना सोचे समझे कर दिया पूरी की पूरी 30% प्रॉपर्टी अक्षरा के नाम। क्या गोइंग का परिवार कर पाएगी इस बात को एक्सेप्ट, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा आने वाले एपिसोड में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।